हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परी ब्लॉग कुक विद परी। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। वैसे तो मैं पहले आपको घी तुरई बताई हूँ आज, लेकिन ये प्लेन तुरई है। ये अलग तुरई रहती है, मतलब एकदम सिंपल सी रहती है। तो ये तुरई और मसूर की दाल की रेसिपी बता रही हूँ मिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं इसको छीलूंगी और चॉप करूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तुरई को मैंने चॉप करके रखा है, हमें इस तरह तुरई को काटना है। और यहाँ पे मीडियम साइज़ के दो टमाटर मैंने बारीक चॉप किया है और लाल मसूर की दाल डालेंगे इसमें। तो ली हूँ, अभी पहला धोऊंगी अच्छे से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। दाल को मैंने अच्छे से धोया है 3-4 पानी से और थोड़ा सा पानी रखा है इसमें। गैस पे कढ़ाई रखी हूँ, गैस भी ऑन कर चुकी हूँ। 2 चम्मच मैं मीडियम साइज़ के ऑयल, सनफ्लावर राइस रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। तेल गर्म हो चुका है तो हम पहले तुरई डालेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये और बहुत ही हेल्दी है। आप जानते हैं तुरई पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। तुरई को तो मैंने रख दी हूँ और बेसिक मसाले ली हूँ मैंने, नमक, घर का मसाला, मिर्ची का, हल्दी, धनिया जीरा का पाउडर और 2 लहसुन की कलाई मैंने ऐसा कूटा है। तो हम अभी पहला उसमें डालेंगे तुरई में लहसुन की कूटा हुआ। कर देखिए टमाटर जो चॉप करके रखे वो, ये देखिए बेसिक जो मसाले नमक वगैरह वो डालेंगे हम। पहला हल्दी डालेंगे, सबको इसको मिक्स करेंगे और मसाले को डालेंगे नमक। अभी हम डालेंगे मसूर की दाल और हमें इसे हिलाना नहीं है, सब ऊपर डाल के इसे ढक के रख देना है। ये देखिए हमें इसे हिलाना नहीं है, थोड़ा सा बस दाल को हमें इसमें ऐसा ये करना है, तेल में जो है डीप करना है सबको, लेकिन अभी हमें हिलाना नहीं है। इसे ढक के रख दी हूँ मैं, धीमी आंच पे हमें इसे 10 मिनट तक रखना है और इसी तरह रखना है। 10 मिनट के बाद हमें इसे जो मतलब मैं आगे आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह हिलाना है, करना है सब, वो चेक करते हैं हम। और वैसे भी हो गया इसको 8-9 मिनट तो हो चुका है, मैंने आपको 10 बोला था, लेकिन कभी कभी क्या तुरई जल्दी ये हो जाती है, दाल भी जल्दी ये हो जाती है, तो आप खोल के देख सकते हैं। वाओ, अभी हम इसको हिलाएंगे। हमने देखिए पहले नहीं हिलाए इसे, आप ज़रूर ये ट्राई करिए, कुछ अलग ही रहती है तुरई, क्योंकि हम इसको हिलाते नहीं है पहले, ऐसे ही छोड़ देते हैं सब मसाले। बस अभी 2-3 मिनट में ये हो जाएंगी, ढक के रखेंगे इसको 3-4 मिनट, तो हमारी तुरई और लाल मसूर की दाल रेडी हो जाएंगी। 4 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं देखती हूँ इसमें हो गया है क्या। ये देखिए हमारी मूंग तुरई एकदम डन हो गई है, मतलब हो चुकी है। दाल भी गल गई है, तुरई भी, टमाटर भी, और हमें इसे ज़्यादा कुछ हिलाए वगैरह नहीं है। इसका ये एक ही अलग तरीका है, देखिए एकदम सब चीज़ गल चुके हैं। अभी मैं गैस ऑफ करती हूँ, निकालती हूँ और आपको लीजिए। लाल मसूर की दाल तुरई हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही ईजी है, क्विक है और कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगते हैं। तो मैं अभी आपको निकाल के बताती हूँ।
ये लीजिए लाल मसूर की दाल, तुरई की सब्जी, बहुत ही यमी एंड टेस्टी और हेल्दी। अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, प्लीज़ मेरा वीडियो फुल वॉच करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। दुआओं में ख़ास याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।